हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नैनीताल सीरीज़। सो इस वीडियो में हम जा रहे हैं रोपवे पे, जो कि नैनीताल में है। तो इससे पहले अगर आपने मेरा पुरानी वीडियो का नहीं देखा है तो पहले जाके उसको चेक करें, जिसमें आपको पूरा नैनीताल मेरी सांसें फूल गई है, इतनी ऊंचाई पे आई है। पहले थोड़ा स्टीप पे जाके आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है जहाँ से रोपवे स्टार्ट होगा। तो अगर आप इससे पहले वाली वीडियोज़ को नहीं देखें तो पहले जाके वो वीडियो देखें जिसमें मैंने पूरा नैनीताल एक्सप्लोर किया है। चलिए इस बार देखते हैं रोपवे कैसा है। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करवाऊंगा और ऊपर भी दिखाऊंगा कि ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मैंने सुना है कोई स्नो व्यू पॉइंट वगैरह भी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा और आपको एक्सप्लोर करवाता रहूँगा। और यहाँ से ये केबल कार तक जाने का रास्ता है, आपको थोड़ा ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये रोपवे है, यहाँ से चढ़ाई करनी है आगे। और ये रोपवे के रास्ते में आपको ये कुछ ये जगह भी मिलेगी जहाँ पे आप कुछ खेल वगैरह सकते हैं, बम्पिंग कार वगैरह। रोपवे बुकिंग काउंटर 360 फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड के लिए 260। और ये यहाँ से आगे ऊपर जाना होगा रोपवे के लिए। चलिए टिकट ले लेता हूँ। अभी बाहर आप पहाड़ वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमें यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ से हमें टिकट लेना है। ये कार्ड पेमेंट हो जाएगा कि कैश ही देना पड़ेगा? कार्ड या कैश दोनों चलेगा ना? ओके। हाँ, सो फाइनली अपन टिकट ले चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कार्ड पेमेंट और कैश दोनों एक्सेप्टेड है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टिकट लेने में। और ये रहा मेरा टिकट। सो फाइनली अपन टिकट ले चुके हैं और ये रहा यहाँ से एंट्री। वहाँ पे पीछे हमने टिकट लिया और यहाँ से हमारी एंट्री है। और ये जो टिकट है ये टू वे के लिए है। वहाँ पे जाके रुक के वापस आने के लिए भी ये सेम टिकट कहीं यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। किस टिकट पे इन्होंने टाइम लिखा है, मैं किस टाइम पीरियड के अंदर ही मैं वापस आ सकूँ। और ये यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। और फाइनली यहाँ से ये रोपवे स्टार्ट है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर में। यहाँ पे रुकने की जो अवधि है वो एक घंटे की है, तो बेसिकली एक घंटे तक हम लोग यहाँ पे जो भी रुकना है, एक्सप्लोर करना है, जो भी पॉइंट्स वगैरह व्यू करना है वो देखेंगे। और मेरे ये देखिए मेरे पीछे कैसा व्यू है। तो देखते हैं एक बजे तक यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है और उसके बाद हम जाएंगे अपने दूसरे लोकेशन पर। और ये कार्ट जैसे आई हुई थी वैसे अभी वापस जाती हुई कुछ लोगों को लेके, इनकी एक घंटे की अवधि पूरी हुई लगता है। और ये बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको। और ये रहा व्यू पॉइंट, यहाँ से आगे जाने के बाद मुझे लगता है कि कुछ व्यू पॉइंट वगैरह हैं। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से हम आगे कहाँ जा सकते हैं। सो अपन पूरा ऊपर आ चुके हैं और जो सबसे पहली चीज़ मुझे को यहाँ पर दिख रही है वो है यहाँ पर ये व्यू पॉइंट। सो ये स्नो व्यू पॉइंट है, देखिए कैसा है, कैसा दिखता है। हालांकि ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करती है यहाँ की वेदर पे कि अभी वेदर कैसी है।
तो मेरे को देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ की वेदर इतनी अच्छी है कि मेरे को स्नो व्यू पॉइंट वगैरह देखने को मिले यहाँ पे। और ये हैंड क्राफ्टेड चीज़ है कुछ। ठंड तो है यहाँ पे काफ़ी। तो ये है वो व्यू पॉइंट। बेसिकली ये स्नो व्यू पॉइंट है। यहाँ पे मुझे नीचे झील तो दिखाई दे रही है, लेकिन बादलों के कारण और ऐसे मौसम होने के कारण स्नो तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। नीचे में ऐसा मौसम नहीं था, लेकिन ऊपर आने के बाद मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका है। यहाँ पे देखा जाए यहाँ से नीचे, काफ़ी नीचे है ये। मैंने ये देखा कि ऊपर दुकानें काफ़ी अच्छी हैं, सॉल वगैरह या फिर माउंटेन्स के जो भी आइटम वुडन आइटम वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने चेक किया, ज़्यादा कोई बड़ा एरिया नहीं है, एरिया काफ़ी छोटा है, लेकिन हाँ इस एरिया में आपको खाने पीने से लेके जो भी सॉल वगैरह या फिर सर्दियों के जो कपड़े वगैरह वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट वगैरह है, और इसके अलावा बस एक व्यू पॉइंट है जो कि मैंने अभी देखा, लेकिन वो भी मौसम के ख़राब होने के कारण उस पर भी कुछ खास व्यू तो वैसे मेरे को कुछ दिखा नहीं। बेसिकली स्नो पॉइंट है, लेकिन उसके लिए मौसम तो क्लियर होना चाहिए ना, जो कि नहीं है, तो स्नो देखने को तो नहीं मिला। तो चलिए कुछ देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और ये एक और लोकेशन, यहाँ से ऊपर जाने के बाद अगर क्लाउड ना हो तो हिमालय रेंज वगैरह दिखते हैं। अगर हम लकी रहे तो हमें भी हिमालय रेंज दिख जाएगा, लेकिन अभी क्लाउड तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, तो चांसेस बहुत कम है। तो दोस्तों, अभी की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिना लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ना जाएं। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे।